To Minto Fresh presents Chinchpokli to China, जहाँ से कोई भी हंसे बिना China. और आज सुबह सुबह मैंने देखा आईना. तो जब आज मैंने आईना देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितनी beautiful हूँ. Too much यार, too much. कहीं मुझे नजर ना लग जाए. Thank God, मैं आज time से पहुँच गई. किसी बच्चे ने टांग नहीं अड़ाई मेरे काम में. वैसे भी आज theme है शादी और शादी में बच्चों का क्या काम, right? Oh God, यार ये फिर से टपक पड़ी. क्या बोली? नहीं नहीं, मैं 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 तो ये कह रही थी बेटा कि शादी से बच्चों का क्या लेना देना, right? शादी बच्चों के लिए ही की जाती है. क्या क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर तुमने जल्दी शादी कर ली होती तो तुम्हारा अब तक मेरे एज का प्यारा सा बच्चा होता. तुम्हारे जैसा प्यारा सा बच्चा. Thank God I didn't get married. नहीं, मैं ये कह रही थी बेटा कि शादी विवाह का बच्चों से क्या संबंध, क्या लेना देना. अरे आजकल बाल विवाह देखकर ही तो सीरियल हिट हो रहे हैं. और तुम कह रही हो कि शादी से बच्चों का कोई लेना देना नहीं. बालिका वधु से बालिका को हटा कर देखो, तब पता चलेगा कि चैनल की TRP क्या है. बेटा, TRP का फुल फॉर्म तो बताना जरा. जरा क्या, पूरा बता देती हूँ. तन्हा रहे पति. रिडिकुलस. तुम एकदम पागल हो. तुम्हारे सर में ना भूसा भरा है, भूसा. तो क्यों खा रही हो? नाइस. मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या नॉलेज है. तुम्हें सात फेरों का मतलब पता है? डू यू नो दैट? What it means? हाँ, मालूम है. Right, okay, tell me. एक सीरियल है जिसमें एक काली सी दुल्हन और उसका गोरा हैंडसम सा पति न जाने कब यह दुर्घटना घटी. बेटा, नजरें हटी और दुर्घटना घटी. पूर्वी, क्या तुम्हें पता है शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं? I know. फिर तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है ना? नहीं. मतलब तुम अपनी हो, तो मेरे साथ पराए जैसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, तुम भी तो अपनी हो, तो मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? ठीक है, नहीं अड़ाती. ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो अब जाओ ना. अरे पहले मेरे लिए तालियां बजवाओ ना. जोरदार तालियां नंदिनी कपूर के लिए. फॉर अ चेंज बहुत अच्छी लग रही है. ओके, थैंक यू. फॉर अ चेंज थैंक गॉड शी इज गॉन, चली गई. अब शो शुरू करते हैं. सबसे पहले अपनी कुर्सी को हिलाने, जोरदार ठहाके लगाने आ चुकी है द वन एंड ओनली अर्चना पुरन सिंह. और उनकी हंसी को अपने तड़केदार कमेंट्स का सपोर्ट देने आए हैं जवान दिलों की चाहत शेखर सुमान. तो खोलते हैं हंसी का पिटारा राम मिलाए जोड़ी के साथ. सोचिए, अगर उमराव जान मिल जाए हमारे असलम भाई को तो क्या होगा. आइए देखते हैं. प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल रक्षांदा एंड रहमान. एक शेर आप सबकी नजर है, गौर फरमाइएगा. अर्चना जी, आप इरशाद. दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए. वाह वाह. दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. वाह 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 वाह. सही, सबको पैसे मिल जाएंगे ताली के. क्या शेर मारे ला, सेंसेक्स नीचे से सीधा ऊपर चले गया. क्या आवाज है. अरे आइटम एकदम रामचंडुस लग रही है.
बहुत सही माँ कसम, लगता इसके कंस्ट्रक्शन में 200-300 एक्स्ट्रा कारीगर लगे ले। बहुत सही वाह, क्या हुसून है, चारों तरफ से छटपटा के बाहर आ रहे। बहुत अच्छे, कौन हो आइटम, कौन हो? जी नाचीस को उमराव जान कहते हैं। ये इसको कौन नाचीज बोला? अरे तुम तो चीज हो, चीज नहीं अखा पी जाओ। आपसे ना मेरे वो उर्दू में एक बात बोलने का है। जी फरमाइए। फरमा दूं? जी। सलामुअलैकुम। तस्लीम। कौन नसरीन? ये बांग्लादेशी आइटम, तेरे को लज्जा नहीं आती क्या? गंदी गंदे चुटकुले लिखती है तू। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम वो नहीं है। तो तू है कौन एग्जैक्टली, करती क्या है? जी हम नाचते हैं। हम नाचते हैं मतलब ग्रुप डांस है तुम लोग का? एक बात बताओ, बाकी की आइटम लोग को किधर ठस्सी करके रखे ली? आप गलत समझ रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है हम अकेले ही नाचते हैं। हम? अच्छा लगता ये भी राजकुमार फैन क्लब की मेंबर लग रही ली। यानी हम नाचते हैं। जिन लोगों को दुनिया में मोहब्बत नहीं मिलती, घर पे सुकून नहीं मिलता, हम उन्हें पनाह देते। पनाह नहीं देते, दूर लोग आते तो टोपी पहना देते। बड़े बड़े राजे महाराजे अपने बेटों को भेजते हैं हमारे पास अदब सीखने के लिए। सही बात है भाई, दिन में बच्चा अदब सीखता है, रात में अब्बा बेअदबी करके चले जाते। लिल्लाह क्या वाहियात इंसान है। आप अपनी ये उलझुल बातें बंद करें, किसी गरज से आए हैं तो बताएं, नहीं तो यहाँ से चले जाएं। अरे आप तो बिल्ला हो रे लिए। माँ कसम अभी एकदम इज्जत वाली में अदब की चड्डी पहन के खड़ा हूँ। अभी कुछ भी अड़ेला सड़ेला नहीं बोलूंगा, लेकिन पहले थोड़ा मौसम तो बनाओ। बहुत फटे तारीफ सुने लिए तुम्हारी। वाकई क्या सुनेंगे आप? घर से निकलने की दुआ सुना डालो। ठीक है तो हम रक्स करेंगे। रक्स? क्या गंदी गंदी बात कर रही है अरे? नहीं आप गलत समझ रहे, हम तो नाचने की बात कर रहे हैं। अरे नाचो आचो एंड में, पहले थोड़ा कुछ दो तो सही, कुछ तड़का मार के तड़कता फड़कता। ठीक है आप सबके लिए हम बंद सुनाएंगे। बंद नहीं एकदम खुला सुनाओ। क्या है ना बंद में अपने को बहुत शर्म आती है। हम गाने की बात कर रहे थे, तरन्नुम के साथ गाने की। तरन्नुम का नाम मत लो, उसके चक्कर में अपने 60,000 रुपए वामची हो गए ले। और ये आइटम लोग के चक्कर में पब्लिक का बहुत नुकसान होता है ना शेखर भाई, आपको तो मालूम है ना। तेरे को उर्दू आती है? जी आती है ना। हाँ। उर्दू में एक शायरी सुन। सुनाइए। चांदनी रात में चांद के लच्छे लच्छे, वाह वाह सब मुशायरे से भाग के आए ले। बहुत सही बहुत सही, भूखे नहीं मरेंगे कोई। चांदनी रात में चांद के लच्छे लच्छे और आइटम लोग के चक्कर में घुस गए अच्छे अच्छे। वाह वाह आप तो काफी और रदीफ भी जानते हैं। माँ कसम आप उन किसी को जानते होते नहीं है। कौन है दोनों, खबरी ओबरी तो नहीं है ना? हमारा कहने का ये मतलब था कि आप शेरो शायरी भी जानते हैं। अरे जानते क्या, बहुत आती है अपने को फटे आती है, बचपन से लेके अभी तक इतनी शायरी लिख ले ना कि पब्लिक आज तक पढ़ रही है। वाकई कहाँ लिखी है? सुलभ शौचालय में। चलो थोड़ा पढ़ा दो मस्त मौसम। नहीं आप हमारी बात मानिए, आप वाकई शेर व शायरी कर सकते हैं, और हमसे बेहतर ये बात कौन जानेगा, हम भी तो शायरा है ना। शायरा हो? माँ कसम दिलीप कुमार किधर है? दिलीप कुमार भी ना बहुत याउन शायरी सुनाते थे, लेकिन उनके लोचा क्या था मालूम है? उनका एक एक शेर 2 साल में कंप्लीट होता है। क्योंकि उनकी इंगीना, उनकी मोहब्बत, उनका जुनून, उनका पैगलपन, उनका बहुत लंबा लंबा देते हो। तो उनको जाने दो, पहले आप अपना सुनाओ। जरा करीब आ जाइए। करीब आ, लगता मौसम बन रहा अभी बिड़ू। नौशाद। नौशाद नहीं इरशाद। इरशाद से अपनी मचमच चल रही है। इरशाद अपने को नहीं मांगता है, नौशाद सही है।
क्योंकि उसकी बहन उससे ज्यादा सही है। नौशाद जी, यार अब मेरे घर में अंधेरा है, क्या करूं? कुछ मत कर, टाइम से बत्ती का बिल भर। तीन दाड़े अंधेरे के शेर सुना रही है। अबे कुछ अच्छा तो दे। अच्छा सुनिए। अच्छा दे। चलिए एक और शेर सुनाते। सुना। इतना रोए लिपट के दरो दीवार से हम। ये दरो दीवार से काय को लिपट रही है, अपने को बुला लेना। एड़ी है, इसको मालूम नहीं दीवार को क्या समझ आएगा। आप वाकई बहुत ही वाहियात इंसान है, हम आप जैसों को शेर नहीं सुना सकते। अरे मत सुना, कौन सा तेरे भरोसे पे अपन खड़े ले। अपन खुद ही शेर बना सकते हैं, अनु मलिक और बप्पी लहरी के ऐसा। ठीक है शेर सुन। इरशाद। इरशाद मना किया ना, नौशाद। इरशाद नहीं तो दिलशाद। अरे दिलशाद तो नौशाद की बहन का नाम है। क्या टाइमिंग है तेरी, अंगार एकदम तेरे सी। सुन, अर्ज केला के कोपचे में आके दे दे। क्या? अरे मतलब अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है। सुन, अर्ज किया है के कोपचे में आके दे दे दीदार माँ की आंख। कोपचे में आके दे दे दीदार माँ की आंख, लग जाएंगी दुनिया में अंगार माँ की आंख। वाह वाह, क्या बात है, समझ में आया ना? जी। भारी था ना? जी। अभी ट्रक से उतारा उसको। दूसरा शेर अर्ज कर रहे हो भाई। अर्ज नहीं, अर्ज, आपका तलफ़ुज सही नहीं। ए औरत लोग की जावेद अख्तर। यार ये पता नहीं कौन से खानदान में ये उर्दू का कारखाना इजाद हुआ है। खानदान पे मत जाइए। आप जानते नहीं हम कौन से घराने से हैं। अपने को खाली दो ही घराना मालूम है, एक हिमेश रेशमिया का रॉक घराना और एक इस्माइल दरबार का यलगार घराना, बस। किस तरह के नामाकूल इंसान है आप? आपको ये भी नहीं पता हमारे रग रग में मौसीकी है। तू मौसीकी आइटम है? माँ कसम मौसी ने बताया नहीं उसका ऐसा फुटकल माल रखेला है। आपने हमें माल कहा? माँ कसम मौसम बन रहा है। बोला तो माल का कमाल देखेंगे। इधर ही दिखाएंगे। निकल पड़ी बात। सुनिए। सुनाइए। हमारी तरफ घूमिए ना। माँ कसम आप खुली अंधे की वाट लगी धंधे की। आंखें भी बंद कर ली। बंद है पहले से। आदा। अर्चना आपको हमारी खूबसूरत उमराव और रापचिक भाई कैसे लगे? आई एम फॉर वन स्पीचलेस। जो नजाकत थी, जो आपका जो तलफुज था, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू। और रहमान तुमने जो ये जो कैरेक्टर किया है, सो छिचोरा एंड सो गंदा एंड सो इरिटेटिंग एंड बट माइंड ब्लोइंगली सो। थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटिफुल। I think it was one of the most perfect acts that I have seen, one of the most beautiful acts. Rehman, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो तुम करते हो, ये जो मवाली पना और जो टपोरी गिरी करते हो, ये हिंदुस्तान में तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता माँ की आंख। थैंक यू। और रक्षंदा तुम्हारे बारे में ये सब कहना चाहूंगा कि उमराव जान अगर रही होंगी कहीं तो वो हमेशा तुम्हारी तरह रही होंगी, और अगर नहीं रही होंगी तो तुम्हारी तरह होनी चाहिए थी। यस, कॉम्प्लीमेंट, क्या बात है। इट वाज इंडीड अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है। बहुत खूब। जाने से पहले हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि शेखर जी आप और साहबजादे भी आइए ना कभी गरीब खाने। क्या बात है। तुम फिर से आ गए? और ये कोई तुम्हारी उम्र है शादी के गाने गाने की? अरे मैं तो सिर्फ गाना गा रहा था, तुम तो रेडियो कर आ गई।
वैसे मैडम अभी शादी का मूड नहीं, बाद में आना, जाओ जाओ। बाद में तुम आना, समझे ना? बाद में कितने बजे? मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मारा नहीं था तो क्या हुआ? मेरा तो था। अच्छा वैसे बताओ, मुझसे शादी करो? ये क्या तुमने शादी शादी लगा रखा है? ये तुम्हारी उम्र है शादी के बारे में बातें करने की? तुम्हारी उम्र है शादी ना करने की? देखो मैं शादी करूं या ना करूं उसे तुम्हें क्या लेना देना? अरे तुम्हें क्या पता शादी विवाह क्या होता है? अच्छा और तुम्हें बहुत पता है? ऑफ कोर्स, मैं बहुत सी शादियों में जा चुका हूँ, इवन अपने मम्मी पापा की। ये लो पैदा होने के पहले ही मम्मी पापा की शादी देख ली। मैंने कब कहा पैदा होने के पहले? पैदा होने के बाद वीसीडी पर देखी। ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्यों, कोई तुम्हें देखना ले? इस बात से डरती हो पुष्पा रे? देखो कोई देखे ना देखे, मैं तुम्हें जरूर देख लूंगी। यहाँ से चले जाओ वरना माइक से तुम्हें मार मार के मार मार के जाऊंगा। अब चलते हैं पर्दे के पीछे। दोस्तों मैं हूँ सुदेश लहरी और आज मैं बना हूँ जगजीत सिंह। अरे ताकि रे ताकि, हेलो मैं हूँ कृष्णा यानी के जीतू जी और ये हमारा शो इंडियन आइटम। और इस शो में अब कंटेस्टेंट बन के सुदेश भोसले जी आने वाले हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि देखना है कि अब हम सुदेश जी को गाना गवाते हैं या सुदेश जी हमें। सो वेट एंड वॉच। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर सुदेश भोसले। सुदेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। तो आप तैयार हैं पर्दे के पीछे जाने के लिए? पर्दे का ऐसा है ना, हाँ, कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उड़ गया, यू नो व्हाट विल हैपन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पर्दा खींचे क्योंकि सुदेश भोसले जा रहे हैं पर्दे के पीछे। अरे यार, व्हाट इज दिस यार? ये इंडियन आइटम पहला रियलिटी शो है जहाँ जजेस टाइम पे आ जाते हैं और कंटेस्टेंट लेट आ रहे हैं। सर उसकी बात ये है कि आजकल ना मार्केट में जजेस बहुत हो गए हैं, कंटेस्टेंट्स कम हैं, इसलिए हम लोग लेट आते हैं। अरे यार अब अगली बार से मैं भी लेट आऊंगा यार। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप टाइम पे आते हैं। What? Yes, sir. बेटी, hello, I will call her now. No, sir, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे यार जजजीत। जजजीत? मैं जजजीत नहीं, मैं जगजीत हूँ और पद्मश्री भी हूँ। क्या बात है सर? वा, 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 वा। अरे यार जब उम्र थी तो गायन अभी कर रहे हैं। देखो हमें यहाँ विनर की नहीं सिंगर की जरूरत है, तो तुम अभी गाओ। ओके सर, मैं बहुत गरीब घर से हूँ सर, मेरी माँ मर गई है सर। ओह गॉड, आजकल वो बीमार रहती है सर। घर में रोजी रोती नहीं है सर। रोजी रोती नहीं तो रोजी को मनाऊ क्या मैं जाके? ये गाना तुम अगले राउंड में गाना यार। जी तुम अभी कोई गाना सुना यार। अच्छा गाता हूँ। अच्छा गाते हो या बुरा ये हम डिसाइड करेंगे। अच्छा गाते। जी सर, जी जी। तुम ये बताओ इतने बड़े प्रोग्राम में आए हो, तुम्हें सारे गामा पा की नॉलेज है? सर माफ करना, मुझे सारे गामा पा की नहीं है लेकिन इंडियन आइडल की नॉलेज है मुझे। अरे यार वेरी गुड यार, मैं तुम्हें 8 नंबर देता हूँ क्योंकि इनकी माँ की तबीयत खराब थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था।
huge round of applause for Sudesh Bhosle. आइए अब जानते हैं आपके मित्र जो हैं शेखर, उन्हें आपका गाना कैसा लगा? सुदेश, you are absolutely fantastic. Thank you. Thank you so much. A huge round of applause for सुदेश भोसले. बारी है आज की हस्ती से मिलने की, तो बजाइए जोरदार तालियां. आ रहे हैं अभय देओल, आज की हस्ती लेकर ढेर सारी मस्ती. छोड़ो पारो 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 धोती मत उतारो पारो पारो. भाई कैसे आना हुआ? मैं बस से आए हो? भाई हमने तो सोचा कि तुम 1:40 की लास्ट लोकल से आने वाले थे. मैं हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड की बस से आया हूँ. आजकल कर क्या रहे हो? मैं फिल्म्स कर रहा हूँ. भाई फिल्म तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि फिल्म में तुम एक्टिंग कर रहे हो. और तुम्हारी जो फिल्म है देवडी, हाँ. भाई बेवड़ी सुना था हमने, देवडी क्या है? देवडी माने देवदास. भाई हम भी देवदास और तुम भी देवदास, हमारे हाथ में भी शराब है और तुम्हारे हाथ में. तुम्हारे हाथ में ये पानी क्या कर रहा है भाई? तुम शराब नहीं पीते हो? मैं नहीं पीता हूँ. नहीं पीते हो? पुरानी पियो, पुरानी पियोगे उतनी अच्छी होती है भाई. ना तो मैं नहीं पीता हूँ ना तो मैं पुरानी पीता हूँ. और दिलीप साहब आपने वापस पीना शुरू कर दिया. कौन कमबख्त बर्बाद होने के लिए पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं कि फोकट की मिलती तो पी जाते हैं भाई. लगता है दारू पी पी कर आप इतने स्लो बोलते हो. दिलीप कुमार से सिलीप कुमार बन गए हो. यही तो हमारा स्टाइल है. हे बाबू, जब भी कोई देवदास देखता है तो उसे हमारी याद आती है. हमारी याद आती है, असली देवदास हम हैं. हाँ तो आप पुराने जमाने के देवदास थे और मैं मॉडर्न जमाने का देवदास हूँ. क्या है? मॉडर्न जमाने के देवदास हूँ? शराब नहीं पीते? तो भाई तुम रेड वाइन पी लो, टकीला पी लो. एक मिनट भाई. ए शकीला, जरा देना इनको टकीला. कोई जरूरत नहीं है ना, देवदास बने हो तो पीनी होगी भाई. इस फिल्म का देवडी देवदास नहीं बिंदास है. और वैसे भी आजकल के जमाने में कौन एक लड़की के प्यार पर अपनी जिंदगी खराब करेगा भाई? आजकल का प्यार क्या प्यार होता है? प्यार कम और पे यार ज्यादा होता है. भाई कैसे कैसे प्यार चल रहा है आजकल? वो पहले करते दोस्ताना, फिर कहते हैं दोस्ताना. ये सिस्टम भी तो आपके जमाने का है. आप लोग ही तो कहते थे आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ. वैसे भी हमारी जनरेशन बहुत ओपन माइंडेड है. ओपन माइंड, सब कुछ ओपन कर देते हो और माइंड भी नहीं करते हो भाई. भाई हमारे समय में प्यार सच्चा होता था. सच्चा पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले झूठा ही सही. तुम्हारे जमाने का गाना है ना ये, झूठे कहीं के. भाई सुनो अभी, भाई पहले के गाने सुने? इश्क खुदा है, इश्क इबादत है. और आजकल के गाने, इश्क कमीना है. इश्क इतना कमीना हो गया है कि सब कुछ दिखाई देता है सिवाय एक्टिंग के. प्रोड्यूसर्स यही मानते हैं कि जितना दिखेगा उतना बिकेगा. सुनो बरखोदार, पहले लड़की पटाने में सालों लग जाते थे, सालों. आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की आदत थी, इतने लंबे लंबे पॉज लेकर प्रपोज करते थे. आजकल तो SMS पर हो जाता है यस नो. भाई पहले हम एक लड़की को प्यार करते थे, आजकल तुम्हारे जमाने में तो एक महीने में 2-4 चक्कर तो चलते ही रहते हैं. आपका भी तो दो दो के साथ चक्कर था ना सर, पारो और चंद्रमुखी. ले करो भाई देवडी यानी कि देवदास. तुमने टिकट लिया देवडी? सिर्फ अपना.
माई विदाउट टिकट पकड़ी गए तो तुम्हें कौन पकड़ेगा भाई? तुम नहीं पकड़ते तो क्या हुआ, कोई और तो पकड़ सकता है। मैं ही किसी को पकड़ लेती हूँ, कंडक्टर। आज गोली खा के जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे खुश नहीं होती वो। बजाओ बाबू, आज मैं गोली खा के आया हूँ। क्या दू भाई जिससे वो खुश हो जाए? क्या दू क्या दू, अंगूठी दे देता हूँ, बहुत महंगी है भाई। दिमाग की धई हो गई है, इतनी महंगी कि भाई सर घूमने लगा है। अरे भाई अब तो खुश हो जा, अब मेरा सपना तो पूरा कर दे। शायद इसे पता चल गया कि मैं लंबी टांग वाले चंदा के पास जाता हूँ, उसने भी टांग दे दी भाई। चंदा पारो पारो, चंदा चंदा पारो, दोनों ने मिलके मेरा ऐसा हाल किया है कि दुनिया रंगीन हो गई है। हैप्पी होली। भाई कमाल करते हो भाई, कितना फास्ट फास्ट बोलते हैं आप लोग। भाई हमारा तो सर चकराने लगा है भाई, हम जाते हैं और दो नंबर के देवदास को भेजते हैं। पारो हे पारो, कहाँ हो पारो? लगता टकरा गया। ए हेलो हेलो हेलो, मुझे तुम्हारा इंतजार था, मुझे दिलीप साहब ने भेजा है आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको बस जवाब देना है। देवदास फिल्म में क्या मांगता था, दारू या पारो? पारो। आप ये सवाल पार हो। इनमें से आप किसे बेहतर डांसर समझते हैं, प्रभु देवा या सनी देओल? सनी देओल। सनी देओल। भाई ये ना। ओके, आपके ज्यादातर दोस्त किस तरीके के हैं, जर्सी या बेवड़े? जर्सी। अरे यार फिर कभी घर पे आओ ना, जब मिल बैठेंगे दो यार तो मिल के करेंगे इमोशनल अत्याचार। फिल्म से आपको कौन सा पेड़ पसंद है, प्रीपेड या पोस्टपेड? पोस्टपेड। पोस्टपेड वही ना जो पीछे से पे करते हैं। राखी सावंत की क्या ज्यादा लंबी है? ओके ओके, सवाल पूरा सुन लो, हाइट या जुबान? जुबान। हाला पहला आदमी जिसको मेरी सिर्फ जुबान पसंद है ये। मीडिया को, मीडिया को जल्दी बुलाओ, मीडिया को, और इसको मिलाओ। फिल्म चीनी कम में किस में चीनी कम थी, तब्बू में या अमिताभ बच्चन में? अमिताभ बच्चन। नहीं वहां तो चीनी ज्यादा थी। आपको इनमें से किसकी एक्टिंग ज्यादा पसंद है, सनी देओल या बॉबी देओल? धर्मेंद्र देओल। कसम मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर देवदास फिल्म एक बार और बनाई जाए तो इसमें पारो का रोल किसे सूट होगा, जिया खान या उमा खान? शाहरुख खान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जोरदार तालियां, बहुत अच्छे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी फिल्म देवडी रिलीज हो रही है 6 फरवरी को, आई होप आपको अच्छी लगेगी, प्लीज गो सी देवडी। अभय दैट वाज वंडरफुल, हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग फिल्म देवडी। चीयर्स। नहीं नहीं कपड़े होंगे, डांस होगा, मस्ती होगी, खूब खूब अच्छा खाने को मिलेगा और ढेर सारी आइसक्रीम भी मिलेगी। नॉर्मली बच्चे शादी के बारे में यही जानते हैं, लेकिन हमारे ये शैतान बच्चे शादी के बारे में क्या क्या सोचते हैं, ये छोटे छोटे मुंह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आइए खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम नंदिनी एंड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आज तो टेंशन में क्यों है? अरे क्या बताऊं यार, जब से स्कूल जाने लगा हूं लोग यही पूछते रहते हैं, पढ़ लिख कर क्या बनोगे? ये तो मुझसे भी पूछते हैं। तो तू क्या कहती है?
मैं कहती हूँ मैं पढ़ लिख कर फूलन देवी बनूंगी। बाय द वे तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं यमराज बनूंगा। जब मुझे किसी को मारने के लिए भेजा जाएगा उससे रिश्वत लेकर उसकी जान छोड़ दूंगा, बहुत कमाई होगी। तो ऐसा बोलना कि तू इस वाला बनेगा। वाले भी यही काम करते हैं। हाँ। तो यमराज कैंसिल। अब मैं शेर बनूंगा। मैं जिंदगी है तो रास्ते रास्ते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल। बस बस पका मत यार, मैं बताता हूँ ना मैं क्या करूँ, मैं बताता हूँ। मैं पापा बनूंगा। पापा पापा बनने के लिए शादी करनी पड़ती है। मतलब मेरे पापा ने शादी की? हाँ। मुझे बिना बताए बिना बुलाए? तुझे कैसे बुलाते? क्यों, जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था, पापा की हुई तो उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? तुम लड़के बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। मैंने सोच लिया है मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? बहुत लॉस होता है यार। वो कैसे? देख, हमारी काम वाली उषाबाई ने शादी नहीं की, उसे झाड़ू बर्तन के पैसे मिलते हैं। मेरी मम्मी भी यही काम करती है लेकिन उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। ये सब ठीक है मगर तुझे एक बात बताऊं, तो ये जो जोड़ियां होती है ना ये भगवान बनाकर बेचता है। अब जैसे भगवान ने जोड़े बनाए अमिताभ बच्चन और नहीं जया बच्चन जैसे बना काजोल और अजय देवगन जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी देखो। सोच अगर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी में धर्मेंद्र की जगह देवानंद होता तो क्या होता? मुझे ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं, पर तुम्हारी हरकत की वजह से बक करना पड़ता है। तुम्हारे बदन में इतनी हरकत क्यों है? निशाना आम पर लगाते हो और सांभा उठ जाता है। है कोई ऐसा जो आम पर निशाना लगाए और सांभा को उड़ा दे? ये देवानंद का स्टाइल है, ये स्टाइल मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं समझ गई, तुम्हारी बॉडी में जरूर कोई खोट है। नहीं नहीं मुझे गलत मत समझना, दरअसल मैं हिल हिल कर अपना खाना पचाता हूँ। वैसे अगर मुझ जैसे हिलते डुलते को तुम जैसे तिनके का सहारा मिल जाए तो बात बन जाए। सिद्धार्थ, नंदिनी ने छोटे होके शादी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अर्चना, व्हाट डू यू थिंक? सिद्धार्थ और नंदिनी, व्हाट अ वंडरफुल 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 परफॉर्मेंस। थैंक यू। आप दोनों ने जो कॉमेडी की है इसमें वो भोलापन है जो बच्चों में होना चाहिए और जो बरकरार रहना चाहिए। फैंटास्टिक। आइए अब पूछते हैं शेखर क्या कहते हैं। बोथ ऑफ यू मेक अ ग्रेट पेयर। आप लोगों को देखकर ये सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूं कि लुकिंग बैक हम लोग बचपन में इतने टैलेंटेड क्यों नहीं थे, और अगर इतने टैलेंटेड नहीं थे तो क्या अब इस अवस्था में इतने टैलेंटेड हैं? नहीं हो सकते। वेरी वेल सर, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज नंदिनी एंड सिद्धार्थ। तो अगले हफ्ते हमारे हंसी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उनके लाफ्टर मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगे। मिंट ऑफ फ्रेश प्रेजेंट्स चिंचपोकली टू चाइना में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।